सबसे पहले मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अच्छे से ये डीडीसी इलेक्शन करवाए हैं। बहुत तादाद में लोगों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है और जहां तक कैंडिडेट्स का सवाल है, मुझे लगता है कि हर एक मोहल्ले में हर एक जगह कैंडिडेट्स की भीड़ रही है। और जहां तक हारने और जीतने का सवाल है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाला जिसे चाहे दे सकता है और जिसे चाहे ले सकता है, ये हमारे कुरान शरीफ में भी है, वतईज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। चूंकि लार ए के बारे में जो आपने पूछा है, लार ए में लोगों ने मुझे मैंडेट नहीं दिया, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। शायद उन लोगों को यही बेहतर, उन लोगों ने यही बेहतर समझा होगा। और जो ये कैंडिडेट्स कामयाब हुए कोई डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से और उनसे गुजारिश करता हूं कि लोग बहुत परेशान हैं। लास्ट 30 ईयर्स से यहां पे मिलिट्रेंसी रही है, गरीबी बहुत हद तक आ चुकी है, पढ़ाई का जो सिस्टम है डेड हो चुका है, कहीं डेवलपमेंट दिख नहीं रही है। और मैं आपकी माध्यम से इनको गुजारिश करना चाहता हूं कि वो इन चीजों की तरफ ध्यान दें। ये जो करप्शन है, ये पॉलिटिक्स जो है, ये हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है, तो हमें उनके मशवरे राह पे चलना चाहिए। हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए और जहां भी लोगों के लगे मैं नाचीज उनका हाजिर खिदमत रहूंगा। जब भी उनको लगे कि मेरी कहीं पर जरूरत है तो मैं हमेशा पेशपेश रहूंगा। और उनको आपकी माध्यम से फिर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो जो बिगर कैंडिडेट जो है वो तरक्की की तरफ और जवानों की जो है रिहैबिलिटेशन उनकी तरफ, जो ड्रग्स जो मेंस है भी बढ़ चुका है उसकी तरफ ध्यान दें। लोगों का मैं बहुत मशकूर हूं कि उन लोगों ने बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा लिया, वोट डाले उन लोगों ने, अपने अपने जो जितने भी उनके कैंडिडेट्स थे, जो इनके फेवरेट कैंडिडेट्स थे। और ये एक जवाब है उन ताकतों का, जिन ताकतों ने यहां पे हमेशा हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की, यहां के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको, उस ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं जो हमारे लोग हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। इन लोगों ने अच्छे से उनको समझाया कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। और आजकल जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ख्वाब दिखा था, मुझे लगता है कि वो पूरा हो रहा है।